जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये वीडियो है ससुराल का, जहाँ पर हम लोग तैयार हो गए थे साड़ी वाड़ी पहन के, मतलब मैं और मम्मी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे पास वाली जिठानी जी से मिलने के लिए, जिनको मैं बोल सकती हूँ कि पूरे फैमिली में वो हमारी क्लोजेस्ट हैं, क्लोजेस्ट जिठानी जी। तो उन्हीं के यहाँ मैं और मम्मी जा रहे हैं। गोली भी जा रहा था और गौरा बाद में आई थी। सो मैं और मम्मी और गोली निकल चुके थे और मैंने घूंघट किया, फिर चारों तरफ देखा तो बिल्कुल सुनसान हो रहा था। एक्चुअली टाइम ऐसा हो रहा था ना, यहाँ पे जो मार्केट है वो इस टाइम बंद हो जाता है, तो इसलिए दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, तो बिल्कुल सुनसान रहता है। लेकिन फिर भी घूंघट करके तो चलना ही पड़ता है। तो हम लोग पहुँच गए थे सुमन दीदी के घर, जो कि मेरी जेठानी जी हैं, और वो हमारा वेट इतना कर लिया उन्होंने कि वो थोड़ी देर सो गए थे जब हम पहुँचे, तो तभी वो जागे। एक्चुअली ये घर है मानसी का, जो कि आपने मेरे एक व्लॉग में देखा होगा। मानसी हमारे साथ आई थी सर्दियों में रहने के लिए, ये उसी का घर है। और ये है मानसी, और अब बहुत ही जल्दी मानसी के घर में होने वाली है खुशियाँ शुरू, क्योंकि अब बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर में, क्योंकि हमारी प्यारी सी मानसी की हो गई है शादी फिक्स, और कुछ दिनों बाद मानसी हमें छोड़ के चली जाएगी। सो आ गई थी अब चाय, दीदी ने बना दी थी चाय, बल्कि दीदी ने नहीं, आज मानसी ने चाय बनाई थी, क्योंकि हम मानसी को तैयार कर रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि मानसी को सब चीज़ बनाना आना चाहिए। तो समोसे और ब्रेड पकौड़े तो बाहर से आए थे, बट चाय मानसी ने ही बनाई थी। थोड़ी देर बाद ये भी और गौरा भी आ गए थे, सो हम सब ने मिल के चाय की एंजॉय। और सो ये थी अगली सुबह, और हम लोग निकल चुके थे हल्द्वानी के लिए वापस, लेकिन मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब चलना होता है ना तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, बस चलने चलने का रहता है, कोई सामान छूट ना जाए ये वो। लेकिन कार में बैठती मैंने कैमरा ऑन किया और गंगा जी का वीडियो बनाया, और हम लोग कार में बैठ चुके थे और बच्चों को लगाई थी भूख, तो ये लोग खा रहे थे चिप्स वगैरह। वैसे मैं खाना बना के लाई थी, लेकिन एकदम ही लंच नहीं खोला जाता है, सो हमने इनको चिप्स दिला दी और उन्होंने खाया। श्री राम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और स्वागत है हल्द्वानी में, क्योंकि हम वापस हल्द्वानी आ चुके हैं। हल्द्वानी तो हम काफ़ी दिन पहले आ चुके थे, मतलब संडे में आ गए थे हम लोग वापस, लेकिन मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि इतने बिजी हो जाते हैं कहीं से आके कि फिर फ़ोन उठाने का मन नहीं करता है। तो मैंने कोई शूटिंग नहीं की है, क्योंकि घर इतना फैला हुआ था कि उसी में ही लगे हुई थी। और आज थोड़ा सा फ्री हुई, और फिर बीच में बच्चे भी बीमार पड़ के, बच्चे मतलब गोली की तबीयत ख़राब हो गई, फीवर वगैरह आ गया, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, बारिश वगैरह हो गई, तो उससे तो बच्चा बीमार रहता है, तो तब भी इतने बिजी रहते हैं कि बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इस टाइम भी गोली की तबीयत हल्की फुल्की ठीक है, ठीक है, मतलब आज इसको फीवर नहीं आया है, नहीं तो दो तीन दिन से लगातार फीवर हो रहा था, आज इसकी फीवर ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि फीवर आता है टैबलेट्स खाते हैं बच्चे तो वीकनेस आ ही जाती है। तो ये काफ़ी दिन से स्कूल भी दो दिन तो वैसे बंद रहे थे बारिश की वजह से, और एक दिन गए थे लेकिन बच्चे जल्दी आ गए थे, तो गोली तो गया ही नहीं एक भी दिन अभी स्कूल। गौरा जस्ट गई थी लेकिन जल्दी वापस आ गई थी, क्योंकि छुट्टी थी, बारिश का अलर्ट हो गया था। सो आज फाइनली धूप निकली है हल्की फुल्की भी, बाहर दिखाती हूँ मैं आपको मौसम बाहर का, आपको बाहर का मौसम आज हल्का फुल्का नीला आसमान दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल बादल छाए थे। हम जब से संडे से आए थे बारिश थी लगातार, और बारिश भी बहुत ही भयंकर वाली थी, मतलब कल तो 24 घंटे बारिश, मतलब आज क्या है, आज है थर्सडे, तो वेंसडे को तो इतनी भयंकर बारिश थी कि पूरे मुझे लग रहा 24 घंटे ही ना बारिश हुई हो। रात से शुरू हुई थी और शाम तक चली थी, शाम बच्चे जब 2-3 बजे के करीब बंद हुई है, तो मौसम ऐसा ही है। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़ के, टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं, और आज मुझे खाने में कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि दोपहर में मैंने कोफ्ते बना लिए थे लौकी के, सो वही रखे हैं, तो अब कुछ नहीं बनाऊंगी, उसी से काम चलेगा, क्योंकि गोली को भी वही पसंद है और हम भी उसी से खा लेंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
साथ हो चुके हैं और पूजा का टाइम हो गया और मैंने कर दी है पूजा। जय श्री राम। और गौरा गई हुई खेलने नीचे आने वाली होगी क्योंकि अब उसकी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। गोली का कोई फ्रेंड है नहीं, हम गौरा की फ्रेंड्स हैं। और किचन में दूध हो रहा है गर्म, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। और यहाँ पे कोफ्तों की सब्जी को एक बार और गर्म कर रही हूँ, दोपहर बनी हुई थी तो एक बार गर्म कर लेती हूँ। और कहते हैं ना, अगर कुछ ख़राब होना हो तो ख़राब ही होता चल जाता है। बच्चे की तबीयत ख़राब और हमारी टीवी भी ख़राब। टीवी का रिमोट ही नहीं चल रहा है, एक टाइम पास करने का एक ज़रिया होता है टीवी, और टीवी का हमारा रिमोट ही काम नहीं कर रहा है तो टीवी भी ख़राब हो गया बड़ा। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है रेस्टोरेंट से, क्योंकि आफ्टर समर वेकेशन, लॉन्ग समर वेकेशन के बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं वापस। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे। एंजॉय? सो आज हम एंजॉय करने आए हैं क्योंकि आज है हमारी सोसाइटी की दीदी, सबकी दीदी है ये, क्योंकि ये हमारे, आपकी क्या है दीदी? चाचा जी का। अच्छा, लेकिन हम लोग मतलब यहाँ की बेटी है ये। रीति लो इधर आओ। क्यों भाई, यहाँ की बेटी है मतलब, तो हम लोगों की नंद हुई, आपकी भी नंदी हुई। चले आप इनको छोटा मान रहे हो तो नाम से बुलाओगे आप। अच्छा जी कहती, बड़ी इज्जत। जी जी। अच्छा ठीक है, तो आज है हमारी दी का बर्थडे। बर्थडे तो 26 जून को था, लेकिन भाभी आज दी हमें आज पार्टी दे रही है क्योंकि मेरी बहू नहीं आई थी। हाँ, क्योंकि हमारी प्यारी प्यारी दीपा भाभी नहीं थी। और ये है दीपा। अच्छा, तो कैसा रहा आपका वेकेशन? बढ़िया रहा, एंजॉय किया खूब? आपने खूब लेवरी करके आए हम लोग, बहुत काम खूब लेवरी करके। इतना लंबा गैप, फिर उसके बीच में दो बहनें भी तो थी। तुम्हारे ब्लॉग में हमने अपनी एज डिस्क्लोज नहीं की, मैं काट दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाया बल्कि उसमें कुछ दिखा सकते। मैंने बोला कि मैं 16 इयर्स, वॉइस ओवर बोल के कुछ कमी बोल दूंगी इसमें कि भाभी अपनी एज बता रही है, थोड़ी कम है। बताइए पूनम भाभी भी जो कि बरेली से आई हैं पार्टी अटेंड करने, भाभी कैसा लग रहा है हल्द्वानी? बहुत अच्छा लग रहा है। बरेली में ज्यादा आनंद आता है हल्द्वानी में? यही आता है यार। और हमारी दीपा भाभी शांत, कुछ बोलो ही आप। नहीं हाय सुषमा भाभी, आप तो ब्लॉग में कम दिखते हो लेकिन आज प्रॉपर दिख रहे हो। टाइम से आ गए। चलिए करते हैं हम एंजॉय सबके साथ, मिलते हैं बाद में। शो हम तुम्हारे चैनल के लिए क्या कर सकते हैं? देवी जी बस कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ लाइक करना है और कमेंट करना है। सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर रखा है जी। तो बस आप कमेंट कर दीजिए और लाइक करते रहिए। बिल्कुल बस देखना। सो यहाँ आ चुका था स्टार्टर जिसमें था कॉर्न चाट और बहुत टेस्टी था, और ये विदाउट ऑनियन गार्लिक था। सो, हम सब इकट्ठे हों और कोई गेम ना खेला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं, भले ही कोई एक गेम खेलें, छोटा सा गेम खेलें, बट खेलते ज़रूर हैं। सो, यहाँ पे भी हम गेम खेलने वाले थे, पासिंग द पार्सल, जो सबको पता है नॉर्मल गेम है लेकिन एंजॉय पूरा करते हैं सब लोग। तो यहाँ पर पहले सॉन्ग लगाया जा रहा था, बट सॉन्ग के साथ उसकी आवाज़, जो रेस्टोरेंट का स्पीकर था उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने तय किया कि एक काम करेंगे, बस स्टॉप बोलना है। तो यहाँ पर जो दी थी वो सिर्फ स्टॉप बोल रही थी और उससे ही हम लोग खेल रहे थे। तुम बजाओ ही नहीं तो स्टॉप बोल दो ना, ऐसे बोल दो ना। नहीं 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 यार, बिना बजाए कैसे बोल? स्टॉप नहीं तो दो चीज अलग अलग हो जाए। स्टॉप ना बोले या तो बजाना रोक दे बस। हाँ ये करो। नहीं फिर नहीं आएगा अंदर क्योंकि धीमी आवाज है। मैं बोल दूंगी चलो स्टॉप। कभी 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 था हम अधूरे नहीं है, हमें भी मिला है कुछ। टन टन टन।
शामिल होगा का है ना, बर्तन धोना है। हम फिर खाएंगे तो जो लोग जीते नहीं थे उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को मिले थे रस्क चाय के साथ खाने के लिए। और मैंने तो आते ही खोल लिया था और मैंने खाया चाय के साथ। सॉस भी डाल दिया भाभी आपने, ये कैसे खाएंगी इतना सॉस? चम्मच के अलग तो देखो इतना ही खाया। देखो क्वांटिटी देखो सॉस। अरे तुम क्लोजअप से ले रही हो तो ज्यादा ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है भाभी। इतनी बिंदी दिख रही है जितनी आपकी बिंदी है। सो गेम्स के बाद शुरू हो गया खाना पीना और सबने किया खाना एंजॉय। और इसी बीच आ गई थी बहुत तेज बारिश और ये बारिश लगातार थी, लेकिन मौसम हो गया था काफ़ी ठंडा। सो मैंने सोचा व्यू देखा जाए बाहर का कैसा है। सो पहुंच गए हैं हम घर पार्टी से और अभी तक बारिश हो रही है झमाझम, बहुत तेज बारिश हो चुकी है। इस टाइम पूरे दिन बारिश नहीं थी और शाम होते ही मतलब आई थिंक 4 बजे से बारिश हो रही है। सो चाय भी बना के हमने पी ली है क्योंकि गोरी को भी चाय पीनी थी, उसकी तबीयत ऐसी हो रही है तो इसको चाय पीने का मन कर रहा है, दूध कम पी रहा है। अब ठीक है या बिल्कुल ठीक? यस। गले में दर्द तो नहीं है? कहाँ है? और वीकनेस? वीकनेस नहीं है। वीकनेस भी नहीं है, ठीक है। ठीक है आप बिल्कुल परफेक्ट, स्कूल जाने के लिए तैयार। और तुम क्या कर रही हो मैडम? सो अब मैं काट रही हूँ आलू, इनको चाय बना के पिला दी है सबको, मैंने भी पी ली थी क्योंकि जब सब पीते हैं और मौसम ऐसा हो रहा है तो अदरक की चाय के लिए कौन मना करता है, नहीं बोली? सो अब मैं काट रही हूँ आलू और बना रही हूँ आलू बैगन। गौरा रानी पढ़ लो कुछ, पढ़ना है? नहीं पढ़ना। तो डिनर में आलू बैगन गौरा। बस इसके बाद मैं पूरा व्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि ये दोनों बच्चे आके इतना परेशान करने लगे, कैमरे के सामने ही खड़े होकर। गौरा खासकर फेस अपने बना रही थी उल्टे सीधे और मैं जो बोल रही थी उसको बोलने ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने ये वाला वीडियो बिल्कुल म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अगर आज का आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं आपसे बाद में।